नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद सतपाल। और दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ अपने टमाटर के, जहाँ टमाटर उगाए हुए हैं उस कॉर्नर पे। देखिए, ये मेरे टमाटरों के पौधे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे पौधे हेल्दी लगे या नहीं लगे। देखिए कि हाइट एक क्लाइंबिंग वाली वैरायटी है, जो जिसको बांधना पड़ता है ऊपर उठा करके। और ये देखिए, इस पर फ्रूटिंग भी शुरू हो चुकी है और हर पौधे पे फ्लावरिंग हो चुकी है। और अब तो जो है फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है इसकी। और कुछ पौधे तो आगे चल करके मैं दिखाऊंगा आपको, हार्वेस्टिंग के लिए भी तैयार हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, जैसे ये थोड़ा इधर बेल के नीचे के पौधे हैं दो चार, इस वजह से मैं आपको बैठ के दिखा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं, ये छाया की वजह से जो है इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं ले पाए। और ये यहाँ से हम इसके नीचे से बाहर निकले हैं और आप देख सकते हैं बाकी के पौधे, हर पौधे पर फल आया हुआ है और जो है फल पकना भी शुरू हो गया है। दोस्तों, कुछ भाइयों के सवाल आते रहते हैं कि जैसे हमारे पौधे पर फल कम बनता है, या जैसे कि भाई फल बनता है तो पकता बहुत लेट है, और इस प्रकार से आप क्या करेंगे जिस अगर आपके पौधों में फल कम बन रहा है, तो आप 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी राख की और उसको भिगो के रख दें रात में, और सुबह अपने पौधों में वो पानी डाल दें अगर आपके पौधे पर फूल बन रहा है तो। और थोड़ा थोड़ा पौधे को हिलाते डुलाते रहें, जिससे कि पोलिनेशन की प्रक्रिया होती रहे इस प्रकार से। और अगर आपके पौधे ठीक चल रहे हैं और फ्लावरिंग हो रखी है और फ्रूटिंग भी है, तो तब आप अपने पौधों में उपले का पानी डाल सकते हैं। और दूसरा, जैसे आप जो भी कंपोस्ट यूज़ करते हो वो डाल सकते हो, गोबर की खाद भी डाल सकते हो, और जो भी आप अपने उसमें गार्डन में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं तो हमेशा की तरह वही रिकमेंड करूँगा कि मैं जो है वह ऑर्गेनिक यूज़ करता हूँ। और यही उम्मीद करता हूँ आपसे भी कि आप भी ऑर्गेनिक यूज़ करेंगे दोस्तों, पेस्टिसाइड से बचें। पेस्टिसाइड जो है एक जहर है, और जहर से खुद भी बचें, अच्छा उगाएं और अच्छा खाएं दोस्तों, मतलब कि स्वस्थ उगाएं और पौष्टिक खाएं। क्योंकि अगर आप बिना केमिकल की सब्जियां उगाओगे तो बिना केमिकल की ही परिवार को खिलाओगे। दोस्तों, अगर आप बिना केमिकल का इस्तेमाल करोगे तो आपके सब्जियां जो पौधे हैं वो भी उससे भी ज़्यादा प्रोडक्शन देंगे। ये थोड़ा स्टार्टिंग में होता है कि हमारी प्रोडक्शन कम होती है केमिकल के मुकाबले, लेकिन जैसे जैसे आप रूटीन में ऑर्गेनिक यूज करते जाओगे तो आपका जो है प्रोडक्शन उससे बेहतर हो जाएगा, केमिकल के मुकाबले में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये थी 2-3 बातें जो टमाटर के बारे में कुछ भाइयों ने पूछा था कि भाई हमारे पौधों पर टमाटर तो फूल तो आते हैं लेकिन टमाटर नहीं बनते, और अगर बनते हैं तो वो लेट पकते हैं। अब जैसा कि मिड दिसंबर चल रहा है और ठंड बढ़नी शुरू हो गई है, तो ऐसे में जो है जो पकना है वो तो एक नेचुरल प्रक्रिया है, और उसमें 1 से 1.5 महीने का समय तो लगता ही है। ये देखिए, गिलहरी ने खाना भी शुरू कर दिया है, और ये लगभग आप देख सकते हैं कि हर पौधे पर फ्रूटिंग भी है और फ्लावरिंग भी हो रखी है इस प्रकार से। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर अवश्य करें, जिससे और दूसरे भाइयों को भी जानकारी मिल सके। इसी के साथ आपका दोस्त, हैप्पी गार्डनिंग।